हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कृष्णपराब व्लॉग। आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टेड होने वाला है क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने घर पर कैसे टावर फिट कर सकते हैं और अपने इंटरनेट की स्पीड को काफ़ी बढ़ा सकते हैं। तो गाइस, वीडियो पूरा देखिएगा। अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर दो, नीचे जो लाल वाला बटन दिख रहा है उसको दबाओ और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करो। और चलो शुरू करते हैं, कैसे बनाना है आपको सिखाते हैं और बिल्कुल आसान तरीका है, आप घर पर भी ट्राई कर सकते हैं। तो चलो चलते हैं। तो चलो देख लेते हैं कि कितनी स्पीड आ रही है बिना टावर लगाए हुए। आपको दिखा देते हैं, कुछ गूगल क्रोम ब्राउजर में फास्ट टाइप करना होता है और टाइप करने के बाद हो जाता है सारा हमारा काम। आपको दिखा देंगे, सारी स्पीड आपको दिखा रहे हैं। क्रोम ब्राउजर खोलना है, फास्ट टाइप करना है और स्पीड देखने को मिल जाएगी आपको। और लोड हो रहा है। और गाइस, हमारी वेबसाइट खुल चुकी है जो स्पीड दिखा रही है, देख सकते हैं आप। और कुछ इस तरीके से अभी स्पीड आ रही है, करीबन 830 kbps जितनी स्पीड आ रही है। जो ये ब्राउज़र होता है स्पीड का एवरेज दिखाता है, कुछ सेकंड रुकना होता है और सारा स्पीड का एवरेज जो मिलता है वो दिखाता है। तो देख सकते हैं आप कुछ इस तरीके से हो रहा है। और गाइस, स्पीड में काफ़ी बदलाव आ रहा है, कभी बढ़ जाते हैं कभी कम हो जाते हैं, देख सकते हैं। और देखिए, अभी 970 स्पीड आ रही है। कुछ 1 Mbps, 8 Mbps, 12 Mbps, 20 Mbps, जैसे जैसे स्पीड आती जा रही है देख सकते हैं। और अच्छी तरीके से 15 Mbps, 14 Mbps, कुछ गाइस हमें मिली है 14 Mbps स्पीड की एवरेज, देखिए आप देख सकते हैं। और 14 Mbps की स्पीड हमें मिल चुकी है। और अब ट्राई करेंगे गाइस हमारे टावर लगाने के बाद कितनी स्पीड हमें मिलती है, देखते हैं और आपको दिखाएंगे। तो चलो आपको सिखाते हैं कैसे करना है, स्पीड काफ़ी बढ़ जाएगी। तो चलो चलते हैं। तो गाइस, पहुंच गए हमारे घर की छत के ऊपर और हमारे पास है कुछ इस तरीके की जो डिश टीवी की जो डिश आती है वो है, और उससे हमारी स्पीड काफ़ी बढ़ जाएगी, हमारे इंटरनेट की स्पीड। और उसके लिए हमें चाहिए कुछ मोबाइल फ़ोन को लगा देते हैं इस कैमरा की जगह पर और उसको फोकस करेंगे, वो हमारे VI वोडाफोन और जो भी 3 टावर है उसमें फोकस करेंगे, देखेंगे स्पीड काफ़ी बढ़ जाएगी। तो देखिए आप टावर को अभी देख सकते हैं और अब इसको लगा देंगे यहाँ पर कुछ इस तरीके से। और अब मोबाइल में आपको स्पीड भी दिखाने वाले हैं, इसलिए ट्राई करेंगे। और देखिए, क्रोम ब्राउज़र खोल लेते हैं, पहले की स्पीड और अब की स्पीड में काफ़ी बदलाव आएगा। तो चलो इस तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कितनी स्पीड आ रही है। गाइस, आप देख सकते हैं, अब मैं लगाने वाला हूँ, इसको लगा देता हूँ यहाँ पर और स्पीड काफ़ी बढ़ गई है गाइस, और 25 Mbps आ रही है। मैं फोकस कर रहा हूँ उस टावर के ऊपर जो कि सारे रेडिएशन कुछ होते हैं वो यहाँ पर भेजे गए और स्पीड काफ़ी बढ़ जाएगी। गाइस, पहले की स्पीड और अब की स्पीड में काफ़ी बदलाव आ गया है। 23 Mbps की स्पीड हो चुकी है, आप देख सकते हैं स्पीड में काफ़ी बदलाव आ गया है। और पहले की स्पीड थी वो थी 14 Mbps और अब हो गई है 23 Mbps। तो गाइस, स्पीड में काफ़ी चढ़ाव आ गया है और देख सकते हैं आप काफ़ी चढ़ाव आ गया है, 23 Mbps एवरेज आई है। तो गाइस, इस तरीके से आप अपनी मोबाइल और राउटर की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। और फोकस कीजिए यहाँ पर, आप चाहे तो फिक्स कर सकते हैं, हमारे स्टैंड लगा दिया है हमारे राउटर और स्टूडियो के लिए भी हम लगाने वाले हैं। गाइस, अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।
हूँ।